Hello students, we will continue further with solid state. In the previous video what we had seen was we had seen what should be the radius ratio so that octahedral hole is occupied, what should be the radius ratio so that tetrahedral hole is occupied or a cubic hole is occupied. हम लोगों ने फिर ये भी देखा कि हर एक होल की पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एवरी होल इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. So let's just summarize that. Okay. So I'll make radius ratio. Okay. ये जो radius ratio है इसको normally r plus to r minus ऐसे लिखा जाता है. It is basically the ratio of radius of cation to anion. Okay. अच्छा यहां पे type of hole occupied. Hole occupied. And the third one would be coordination number. Okay, so this is the table that you have to remember. If the radius ratio is less than 0.155, type of the hole occupied would be a linear hole, jiska coordination number is 2. Agar jo radius ratio in do numbers ke beech mein to triangular hole occupy hoga, coordination number is 3. So ये टेबल प्लीज आप नोट डाउन कर देना एंड रिमेंबर दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट. ओके फाइन. अच्छा अब हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखेंगे, अलग अलग आयोनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स देखेंगे. ओके स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ वेरियस आयोनिक compounds. Okay. Now when we talk of structure of various ionic compounds, now इसमें ना अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर आएंगे, जैसे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होगा, फ्लोराइड स्ट्रक्चर होगा, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होगा, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होगा. तो ये सारे स्ट्रक्चर सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सी आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म फ्रॉम एनायंस एंड कैटायंस. नाउ एनायन एंड कैटायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिकॉज दे हैव अपोजिट चार्जेस, बट एनायन एंड एनायन के बीच में रिपल्शन होगा एंड वैसे ही कैटायन एंड कैटायन के बीच में भी रिपल्शन होगा. ओके तो आपको आप जब भी कोई भी आयोनिक स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि दो एनायंस को आप जितना दूर रख सकते यू हैव टू कीप देम अवे फ्रॉम ईच अदर. सो टू एनायंस कैनॉट टच ईच अदर. Similarly, two cations cannot touch each other. Cannot touch each other. हाँ, anion and cation can touch each other. ये दोनों एक दूसरे को touch कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में force of attraction होता है, तो वैसे ही आपका compound जो होगा वो stabilize हो जाएगा. So anion and cation जितने पास में होंगे उतना आपका compound जो होगा वो stable होता जाएगा. सो स्टार्ट करें, ये एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि टू एनायंस कैन नॉट टच ईच अदर, टू कैटायंस कैन नॉट टच ईच अदर. ओके एनायन एंड अ कैटायन कैन टच ईच अदर. ओके सो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर अब ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है. सो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इज बेसिकली जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर. सो NaCl स्ट्रक्चर में क्या होता है कि Cl- माइनस आयंस आर लार्जर एंड Na+ प्लस आयंस आर स्मॉलर. ओके यहां पे अगर जो आप रेडियस रेशियो देखोगे तो Na+ प्लस टू Cl-, ये जो रेडियस रेशियो है दिस रेडियस रेशियो इज अराउंड 0.51. Now if you look at this number 0.51, ये 0.414 और 0.732 के बीच में आ रहा है, तो यहां पे जो है octahedral holes will be occupied. So now let's try to see ये स्ट्रक्चर बनता कैसा है. जो लार्जर आयंस होते हैं आपको पता ही है कि ये जो लार्जर आयंस है दीज लार्जर आयंस विल फॉर्म FCC स्ट्रक्चर. सो Cl- विल फॉर्म FCC स्ट्रक्चर. ओके
Cl minus ions form FCC structure. Na plus जो छोटे ions है, they will occupy octahedral holes. ठीक है. ना ऑक्टाहेड्रल होल्स आपको पता ही है, ऑक्टाहेड्रल होल्स एच के सेंटर पे होता है एंड क्यूब के सेंटर पे होता है. एंड एफ सी सी स्ट्रक्चर में सी एल माइनस आयंस जो होंगे ये सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे. सो लेट मी ड्रॉ सी एल माइनस आयंस यूजिंग अ रेड पेन एंड ये सारे एन ए प्लस आयंस जो है यूजिंग अ ब्लू पेन. ओके सो पहले एन ए प्लस आयंस बनाता हूं. सो एन ए प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक कोई तो एज रह गई है, हाँ 12 एंड एक यहां पे सेंटर में होगा, करेक्ट. एंड ये सी एल माइनस आयंस जो है ये एफ सी सी स्ट्रक्चर बनाते हैं. एफ सी सी स्ट्रक्चर में हमें पता ही है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है. दस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एंड छह जो होंगे ये फेस सेंटर्स पे होंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके सो दिस वुड बी योर रॉक सॉलिड स्ट्रक्चर. ओके नाउ यहां पे लेट्स ट्राई टू लुक एट वेरियस पॉइंट्स. नाउ इफ यू सी ओवर हियर, सी नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब कभी एफ सी सी स्ट्रक्चर बनता है तो ये फेस के सेंटर का जो एटम होता है ये कॉर्नर एटम्स को टच करता है. बट यहां पे क्या प्रॉब्लम होगा कि फेस के सेंटर पे भी एन आयन है एंड कॉर्नर एटम्स पे भी एन आयन है. तो एन आयंस कैन नॉट टच ईच अदर. अभी हम लोगों ने लिखा था ए माइनस कैन नॉट टच ईच अदर. तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे इस तरह से कुछ होता है. इफ आई ड्रॉ दिस एज, मैं एक एज यहां पे बना रहा हूं. ओके तो ये जो रेड पेन से मैं एन आयन बना रहा हूं. लेट मी ड्रॉ वन एन आयन ओवर हियर. लेट मी ड्रॉ अनादर एन आयन ओवर हियर. अच्छा एंड इन दो एन आयंस के बीच में ये जो एच के सेंटर पे कैट आयन होता है, लेट मी ड्रॉ दैट कैट आयन ओवर हियर. सो दिस इज कैट आयन एंड दिस इज योर एन आयन. लेट्स से रेडियस ऑफ एन आयन इज आर माइनस, रेडियस ऑफ कैट आयन इज आर प्लस. ओके सो हमारे केस में एन आयन आपका सी एल माइनस आयन है तो ये रेडियस ऑफ सी एल माइनस एंड दिस विल बी रेडियस ऑफ एन ए प्लस. Now this is the length of the ये length of the cube, edge length हो गई. Let's call this as A. So this is R minus and 2 times R plus. तो यहां पर जो हमें relationship मिलेगी, that relationship would be 2 times radius of Cl minus plus 2 times radius of Na plus would be equal to A. ये समझ में आया, ये R minus हुआ, ये R माइनस हुआ, ये R प्लस हुआ, ये R प्लस हुआ. सो 2 टाइम्स R माइनस प्लस 2 टाइम्स R प्लस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द एज. ओके दिस इज योर रिलेशनशिप. ओके नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर्स. ओके नाउ इफ यू लुक एट दिस ऑक्टाहेड्रल होल, यहां पे इस ऑक्टाहेड्रल होल के अंदर हमें पता है Na प्लस आयंस होंगे. ये Na प्लस आयंस साइमल्टेनियसली 6, आपको ये पता ही है ना, हर एक ऑक्टाहेड्रल होल इज सराउंडेड बाय 6 आयंस. ऑक्टाहेड्रल होल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 प्रीवियस वीडियो में ही हमने देखा था. सो आई कैन से एवरी Na प्लस इज सराउंडेड बाय 6 Cl minus ions. ठीक है, एवरी Na प्लस इज सराउंडेड बाय 6 Cl minus ions. बाय द सेम लॉजिक, अच्छा NaCl के अंदर इफ यू लुक एट NaCl, Na एंड Cl दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:1. नाउ इफ दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:1, आई कैन से बाय द सेम लॉजिक, अगर जो एवरी Na इज सराउंडेड बाय 6 Cl minus, then every Cl minus should be surrounded by 6 Na plus. So every Cl minus is surrounded by 6 Na plus ions. ठीक है,
हर एक सीएल माइनस आयन जो है वो छह एनए प्लस आयन से सराउंडेड है। अगर जो आपको चेक करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। इफ यू कंसिडर एनी आयन ओवर हियर, ये फेस के सेंटर का आयन देखो, तो ये ना साइमल्टेनियसली इफ यू लुक एट दिस आयन, इट इज सराउंडेड बाय 1, 2, 3, 4, एक नीचे 5 एंड एक इसके ऊपर भी तो एक क्यूब होगा, उसके भी सेंटर पे एक एन ए प्लस होगा, सो दैट इज 6। सो एवरी सी एल माइनस आयन वुड देन बी सराउंडेड बाय 6 एन ए प्लस आयन्स। ओके, अच्छा यहां पे मैंने दिखाया नहीं है बट दिस इज साइमल्टेनियसली टचिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हर एक सी एल माइनस जो होता है वो साइमल्टेनियसली 6 एन ए प्लस को टच करता है एंड हर एक एन ए प्लस जो है वो साइमल्टेनियसली 6 सी एल माइनस को टच करता है, ठीक है। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रिलेशनशिप बिटवीन आर प्लस एंड आर माइनस, ये रिलेशनशिप भी आपको समझ में आ चुकी है। ओके, अब वन फाइनल पॉइंट, हर एक यूनिट सेल, दिस इज वन यूनिट सेल, नाउ दिस वन यूनिट सेल ये सी एल माइनस पे एफ सी सी स्ट्रक्चर बनाता है। हमें यह पता है कि देर आर, हर एक एफ सी सी स्ट्रक्चर में देर आर 4 एटम्स, सो 4 सी एल माइनस आयन्स आर प्रेजेंट एंड एन ए प्लस सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है। नाउ हमने ये भी पढ़ा है कि जितने एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल होल्स भी होते हैं, सो जैसे यहां पे 4 एटम्स हैं तो देन देर वुड ऑल्सो बी 4 ऑक्टाहेड्रल होल्स। ओके, एंड 4 ऑक्टाहेड्रल होल्स होंगे, हर एक ऑक्टाहेड्रल होल्स में एन ए प्लस है ना, समझ में आ रहा है आपको, हर एक ऑक्टाहेड्रल होल में एन ए प्लस है, तो देर आर 4 ऑक्टाहेड्रल होल्स, सो देर विल बी 4 एन ए प्लस आयन्स। सो नाउ वॉट यू हैव इज 4 एन ए प्लस आयन्स, 4 सी एल माइनस आयन्स, सो नाउ आई कैन राइट ओवर हियर दैट एवरी यूनिट सेल हैज 4 एन ए सी एल यूनिट्स, सो देर फॉर मास ऑफ वन यूनिट सेल यूनिट सेल इज इक्वल टू 4 टाइम्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, ठीक है। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.5, सो 58.5 इंटू 4 विल गिव यू द मास ऑफ वन यूनिट सेल AMU। सो आई होप आपको NaCl स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझ में आ गया है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर। ओके, जो जो चीजें यहां पे लिखी हुई है उनको नोट डाउन करते जाओ। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज ZnS स्ट्रक्चर। ओके, देर आर फ्यू एग्जांपल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर कि ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, और जैसे हमने कहा कि NaCl का स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, तो और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, तो इट इज हैलाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, लिथियम, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर ये रॉक सॉल्ट की स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, हैलाइड्स मतलब हैलोजन्स के साथ जो इनके कंपाउंड्स होता है वो, एट द सेम टाइम AgCl, AgBr एंड NH4Cl, प्लीज रिमेंबर दीज एग्जांपल्स, ऑल ऑफ देम हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विद जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर ZnS। सी ZnS के ना दो स्ट्रक्चर्स होता है, एक जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है एंड दूसरा होता है वर्ट्जाइट स्ट्रक्चर। ये जो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है, ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर FCC स्ट्रक्चर होता है एंड ये वर्ट्जाइट स्ट्रक्चर जो होता है वो HCP स्ट्रक्चर होता है। सो वी विल बी फोकसिंग ऑन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ओके, नाउ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में क्या होता है, सो योर कैट आयन इज Zn+2, योर एन आयन इज S-2, दिस इज ऑब्वियसली लार्जर एंड दिस इज स्मॉलर। ओके, नाउ S-2 ये जो लार्जर आयन होता है, दिस लार्जर आयन फॉर्म्स FCC स्ट्रक्चर। ओके, एंड स्मॉलर आयन्स जो होते हैं, दिस स्मॉलर आयन्स ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल होल्स। नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट दिस, सो S-2 विल फॉर्म FCC स्ट्रक्चर।
So because it forms FCC structure, I can say in one unit cell, there are four S minus two ions. Okay, there are four S minus two ions. Okay. Now, if there are four S minus two ions, therefore there will be eight octahedral holes. There will be eight octahedral, nahi, sorry, tetrahedral holes. ये आया आपको समझ में? हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स इज ऑलवेज इक्वल टू टू टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स। मैंने ये कहा है कि एस माइनस टू एफ सी सी स्ट्रक्चर बना रहा है, तो अगर जो एस माइनस टू एफ सी सी स्ट्रक्चर बना रहा है तो देर वुड बी फोर एस माइनस टू आयन्स। हर एक एक यूनिट सेल में हमेशा चार एटम्स होते हैं, एफ सी सी के यूनिट सेल में देर आर फोर एटम्स। सो एस माइनस टू अगर जो एफ सी सी स्ट्रक्चर बना रहा है तो देर विल बी फोर एस माइनस टू आयन्स। इफ देर आर फोर एस माइनस टू आयन्स देर विल बी एट टेट्राहेड्रल होल्स, बिकॉज नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स इज ऑलवेज टू टाइम्स द नंबर ऑफ एटम्स। तो ये आपको समझ में आ गया। बट जेड एन एस के अंदर, जेड एन एस में यू हैव वन कैटायन फॉर एवरी वन आयन, आयन वन इज टू वन का रेशियो है ना, जेड एन वन है और एस बी वन है। तो विच मीन्स यूनिट सेल के अंदर जितने एन आयन्स होंगे उतने ही कैटायन्स होने चाहिए, क्योंकि इनके बीच का ये जो रेशियो है वन इज टू वन है। तो इफ आई नो दैट देर आर फोर एस माइनस टू आयन्स, तो इट मीन्स फोर टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय जेड एन टू प्लस आयन्स, क्योंकि ये चार है तो ये भी चार होंगे। सो व्हाट डज दिस मीन नाउ? दिस मीन्स जितने, आई रिपीट इट, जितने एन आयन्स होंगे उतने ही कैट आयन्स होने चाहिए, क्योंकि इनके बीच का रेशियो वन इज टू वन है। सो फॉर एवरी वन एन आयन देर इज वन कैट आयन ना। सो इफ देर आर फोर एन आयन्स देर हैव टू बी फोर कैट आयन्स। हाँ, हमें ये पता है कि ये जो कैट आयन है ये टेट्राहेड्रल होल ऑक्यूपाई कर रहा है ना। देर आर एट टेट्राहेड्रल होल्स, बट हमें एट जेड एन टू प्लस आयन्स चाहिए ही नहीं, फोर एस माइनस टू आयन्स है, तो वी ओनली नीड फोर जेड एन टू प्लस आयन्स। तो आठ होल्स में से बस चार होल्स ऑक्यूपाई होंगे एंड फोर होल्स विल रिमेन एम्प्टी। नाउ आपको टेट्राहेड्रल होल्स की लोकेशन तो पता ही है। आई जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर, वन, फिर ये टू, फिर ये थ्री एंड फिर यहां से यहां तक ये फोर्थ होगा। ये चार बॉडी डायगनल्स है, हर बॉडी डायगनल पे ये टेट्राहेड्रल होल होता है। वन टू, वन टू, फिर यहां पे वन टू एंड एक यहां पे, ये जो ये बॉडी डायगनल है पीछे वाला, उस पे भी दो टेट्राहेड्रल होल्स होंगे। अब नाउ यू हैव टू रिमेम्बर कि सारे टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई नहीं हो रहे, ओनली फोर टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड। इट मीन्स फोर टेट्राहेड्रल होल्स रिमेन एम्प्टी, होल्स रिमेन एम्प्टी। सो जो भी होंगे ये ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल होल्स एम्प्टी रहेंगे। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल होल्स एम्प्टी रहेंगे? तो अगर जो आपने इस टेट्राहेड्रल होल को भर दिया तो दिस विल रिमेन एम्प्टी, इसके बाजू में ये है, दिस विल रिमेन एम्प्टी एंड ये एम्प्टी हो गया तो ये भर जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से ये ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई होंगे। उसी तरह से यहां पे भी, इस बॉडी डायगनल पे भी एक ही टेट्राहेड्रल होल ऑक्यूपाई होगा एंड उसी तरह से पीछे वाली जो बॉडी डायगनल है उस पे भी एक ही टेट्राहेड्रल होल ऑक्यूपाई होगा। सो जैसे ओनली ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल होल्स, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। ठीक है, ओनली ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल होल्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ओवर हियर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इट इज वेरी सिंपल। व्हेन वी टॉक ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर,
हमें ये पता है ये जो Zn2+ आयंस है, दीज आर योर Zn2+ आयंस जो टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। नाउ टेट्राहेड्रल होल जो होता है, टेट्राहेड्रल होल का कोऑर्डिनेशन नंबर ही 4 होता है ना, ये पढ़ा है आप लोगों ने। सो यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2+ आयंस होगा दैट इज इक्वल टू 4। सो इट मीन्स एवरी Zn2+ आयन इज सराउंडेड बाय 4s-2 आयन। सो देयर फॉर एवरी Zn+2 आयन इज सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड आयन्स। एवरी जिंक आयन इज सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड आयन्स। ओके, नाउ सिमिलरली यहां पे ये रेशियो जो है दैट इज 1:1। नाउ इफ दिस रेशियो इज 1:1, what I can say is if one zinc is surrounded by 4s-2, 1s-2 will be surrounded by 4zn+2। so I can say same ना, 1:1 का रेशियो है। तो एक जिंक अगर जो चार सल्फाइड से सराउंडेड है, तो सिमिलरली हर एक सल्फाइड चार जिंक से सराउंडेड होगा। वन सल्फाइड आयन और एवरी सल्फाइड आयन इज सराउंडेड बाय 4Zn+2 आयन्स। इट इज सराउंडेड बाय 4Zn+2 आयन्स। ठीक है, अभी आप कैसे गेस कर सकते हो कि ऐसा ही हो रहा है? नाउ देयर इज वन वे टू अंडरस्टैंड दिस। सी, दिस इज अ क्यूब, राइट? ना आपको पता है कि आप किसी भी कॉर्नर की बात करो तो एवरी कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8। व्हाट डू यू से? एवरी कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, बाय 8 क्यूब्स। तो जैसे इस क्यूब के अंदर इस कॉर्नर से ये ऐसी बॉडी डायगोनल निकल रही है ना, ये यहां से यहां तक, सॉरी, करेक्ट? इस कॉर्नर से इस क्यूब के अंदर एक बॉडी डायगोनल निकली, तो ये 8 क्यूब्स का हिस्सा है ना, ये कॉर्नर, इट इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स। तो यहां से इसी तरह से 8 बॉडी डायगोनल्स निकलेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमें ये पता है कि जो Zn2+ आयन से ये टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई करते हैं, बट सारे टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई नहीं करते, ओनली ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड। सो इफ ओनली ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड तो क्या होगा? मान लो यहां पे अगर जो Zn2+ आयन है तो यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा, फिर यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा, यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा। सो यू कैन सी दैट एवरी सल्फाइड आयन, ये अगर जो आपका S-2 आयन है, तो एवरी सल्फाइड आयन इज सराउंडेड बाय 4Zn+2 आयन्स। ठीक है, अब हम लोग ये डिस्टेंस भी देखते हैं, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ओवर हियर। हाँ, हमें ये पता है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल होल होता है, या ये जो टेट्राहेड्रल होल की बात कर रहा है, ये यहां से कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे होता है? दिस इज इक्वल टू √3a/4। पढ़ा है ना हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ अ टेट्राहेड्रल होल फ्रॉम अ कॉर्नर। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, मान लो ये एक आपका कॉर्नर है, कॉर्नर पे यू हैव, ये कॉर्नर पे यू हैव S-2 आयन्स, तो यहां पे ये कॉर्नर पे S-2 आयन्स है। अच्छा, यहां से ये एक बॉडी डायगोनल निकल रही है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ √3a/4 एक टेट्राहेड्रल होल होता है। हमने ये देखा, ये जो टेट्राहेड्रल होल है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √3a/4। तो यहां से जो एक टेट्राहेड्रल होल होगा, इट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ √3a/4, एंड इस टेट्राहेड्रल होल में ये Zn+2 आयन्स होंगे। नाउ इफ यू लुक एट दिस, दिस इज R-, एंड इफ यू लुक एट दिस, दिस इज R+। सो रेडियस ऑफ S-2,
plus radius of Zn plus 2, this is equal to root 3 a by 4. I write it over here. R s minus 2 plus R Zn plus 2 root 3 a by 4. ठीक है, सो रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू दिस रूट थ्री ए बाय फोर. ठीक है, सो आई होप आपको ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर जो है, ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर समझ में आया है. इसमें आपको कोई भी अब डाउट नहीं है. ओके, फाइन. नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोराइड स्ट्रक्चर. अच्छा, सॉरी, बिफोर गोइंग ऑन टू फ्लोराइड स्ट्रक्चर, यहां पे भी वन यूनिट सेल हैज फोर ZnS मॉलिक्यूल्स. ओके, सो मास ऑफ वन यूनिट सेल वुड बी इक्वल टू फोर इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ZnS. एंड एग्जाम्पल्स कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो है जो आपको ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर दिखाता है. सो CuCl, CuBr, CuI एंड AgI, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर. इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है. सो व्हेन आई से अ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर क्या होता है, एनायंस जो होते हैं, दीज एनायंस फॉर्म FCC स्ट्रक्चर. एंड कैट आयन्स जो होते हैं, दे ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल होल्स. सारे टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई नहीं करते. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, ये टेट्राहेड्रल होल्स ही क्यों ऑक्यूपाई करता है. द रीजन इज सिंपल, कौन सा होल ऑक्यूपाई होगा विल डिपेंड अपॉन द रेडियस रेशियो. एंड यहां पे जो इन दोनों का रेडियस रेशियो होता है, रेडियस ऑफ जेड एन प्लस टू रेडियस ऑफ एस माइनस टू, दिस इज 0.3. ये नंबर जो है वो 0.225 एंड 0.414 के बीच में लाई करता है. सो दैट इज वाई ये आर ये जेड एन टू प्लस आयंस दे ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल होल्स. ओके, फाइन. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ वर्डजाइट स्ट्रक्चर, वर्डजाइट स्ट्रक्चर अब हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. वर्डजाइट स्ट्रक्चर में this is HCP type structure. So S minus 2 ions form HCP structure. Now because they form HCP structure, in one unit cell there will be 6 S minus 2 ions. क्योंकि HCP structure में 6 ions होते हैं. So 6 S minus 2 ions. Okay. And Zn plus 2 ions, they will obviously occupy tetrahedral holes, क्योंकि radius ratio के हिसाब से they should occupy tetrahedral voids. Now 6 ions होते हैं HCP के अंदर, तो 12 tetrahedral voids होंगे, but 12 में से आधे ही voids occupy हो जाएंगे. So only half of tetrahedral voids are occupied. Okay. सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, आई रिपीट इट, इफ देर आर 6 आयंस देर विल बी 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, बट 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई नहीं होंगे. ZnS 1:1 रेशियो में प्रेजेंट है, तो अगर जो 6 सल्फाइड आयंस है तो 6 ही जिंक आयंस भी होंगे, तो आपके 6 ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होंगे एंड 6 टेट्राहेड्रल वॉइड्स वुड रिमेन एम्प्टी. रिमेनिंग 6 टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल रिमेन एम्प्टी. ठीक है, so I hope you have understood rock salt structure and you have understood zinc blend structure. And यहां पर यह जो वर्डजाइट structure है, यह भी ZnS का ही structure है. Okay, so ZnS के दो structures होते हैं, एक zinc blend structure होता है और एक वर्डजाइट structure होता है. I hope you have understood this. Okay, ठीक है. So we will end this lecture over here. In the next lecture we will look at fluorite and anti-fluorite structures. Fine? Okay.